नमस्कार दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जोन्स का लुक भले ही मेट गाला 2019 के लिए ठीक रहा हो, उनका झील मिलाता हुआ मेकअप या हेयर स्टाइल सोशल मीडिया के यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं भाया है और इस लुक के चलते लोगों ने प्रियंका को जमकर ट्रोल भी किया है। मेट गाला में इस साल का थीम था कैंप नोट्स ऑफ फैशन। यह सुसन सनटेक के 1964 के निबंध नोट्स ऑफ कैंप से प्रेरित था। अपने इस निबंध में सुसन ने लिखा था कि अप्राकृतिक कलात्मक और अत्यजिंतित प्रति प्यार ही कैंप का सार है। इस साल के मेट गाला में कई सेलिब्रिटीज के फैशन ने फैंस को चौंका दिया। कुछ सेलेब से ऐसे आउटफिट और मेकअप में पहुंचे जिसे लोग देखकर डर भी गए। इनमें से एक प्रियंका चोपड़ा भी रही है। प्रियंका मेट गाला में शिमरी गाउन पहनकर पहुंची थी। खड़े घुंघरालू बाल, सफ़ेद आईब्रो और रेड लिपस्टिक में प्रियंका अतरंगी लग रही थी। गाला के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं, साथ ही प्रियंका के कॉस्ट्यूम पर बने मीम्स जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन मीम्स और ट्रोल का जवाब प्रियंका की तरफ से नहीं आया है। अब उनकी मां मधु चोपड़ा ने प्रियंका के आउटफिट को लेकर खुशी जताई है। मधु चोपड़ा ने कहा है कि मेरी प्रियंका की तस्वीर देखते ही उसे कॉल किया जी किया कि यहाँ होती तो उसकी झप्पी पा लेती, बहुत सुंदर और स्पेशल लग रही है मेरी बेटी। निक और प्रियंक दोनों ही काफ़ी जच रहे हैं। निक और देखकर मुझे किसी डॉन की याद आ गई। बता दें कि मधु चोपड़ा भी एक प्रोड्यूसर हैं। जिस लुक और ड्रेस के लिए प्रियंका चोपड़ा इतनी ट्रोल हुए हैं उससे बनाना आसान नहीं था। इस ड्रेस की कीमत लाखों में थी। प्रियंका चोपड़ा के डाई और गाउन की कीमत 45 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं उन्होंने जो डायमंड ईयरिंग पहने थे उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये के आसपास है। उनके इस गाउन में पिंक और येलो फेदर लगे हैं। मेट गाला में प्रियंका चोपड़ा के अलावा दीपिका पादुकोण भी पिंक कलर की सिंड्रेला ड्रेस में नजर आई। फैंस को दीपिका का लुक काफ़ी